आपने यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट थे उनको चुनकर भेजा था, वो निर्दलीय जीत कर गए थे और किन्हीं कारणवश हमारे 3 एमएलए ऐसे थे जो निर्दलीय पार्टी से, ना वो बीजेपी में थे ना वो कांग्रेस में थे, वो जीते और विधानसभा पहुंचे। अब जीत गए थे, बढ़ गए थे एमएलए, तो उनको तसल्ली होनी चाहिए थी कि अब कांग्रेस की सरकार से हमने काम करवाने, पैसे देने की बात की थी। अभी कमलेश जी ने बड़े विस्तार पूर्वक उसके बारे में आपको जानकारी दी, बताया कि क्यों ये 1500 दिए जा रहे हैं और आज इसकी शुरुआत भी हो गई। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ ने कहा हमको मिल गए, कुछ ने कहा हमको नहीं मिले, उसका ये मुख्य कारण रहा कि बीच में इलेक्शन आ गया, और जब चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन था चाहे अब विधानसभा का इलेक्शन है, आप जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान सरकार वो पैसा दे नहीं सकती क्योंकि उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो अब ये इलेक्शन को खत्म होने के बाद जैसा इन्होंने आपको समझाया कि अपना अपना फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म जमा करेंगे और आपको तुरंत वो पैसा पिछली किश्त के साथ एक साल में 18,000 रुपया आपको अवश्य मिलेगा। ये हमारे महिलाओं के लिए एक बहुत गर्व की बात है और आप सबकी तरफ से हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी महिलाओं की सोच रखी, हमारी महिलाओं का दुख दर्द को समझा और आज आपने ये धनराशि देकर हमें लाभान्वित किया है, उसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। अभी आप जानते हैं कि हमारे ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आपने यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट थे उनको चुनकर भेजा था, वो निर्दलीय जीत कर गए थे और किन्हीं कारणवश हमारे 3 एमएलए ऐसे थे जो निर्दलीय पार्टी से, ना वो बीजेपी में थे ना वो कांग्रेस में थे, वो जीते और विधानसभा पहुंचे। अब जीत गए थे, बढ़ गए थे एमएलए, तो उनको तसल्ली होनी चाहिए थी कि अब कांग्रेस की सरकार से हमने काम करवाने, अब हमने काम करवाने हैं। मुख्यमंत्री के पास जाते, उनसे पुकार करते कि ये मेरे एरिया की ये एक समस्या है। जैसा अभी ओम प्रकाश जी ने, हरिओम जी ने बड़ी अच्छी तरह से आपको यहाँ इस भूमि के बारे में बताया, कमलेश जी कह रही थी ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है क्योंकि ये पानी के नजदीक है और जो जो आप यहाँ पर उगाते हैं वो अच्छा आपको फल देती है। पर दुख का कारण यह है कि जब ये पोंग डैम के जो विस्थापित लोग हैं उनको सरकार अच्छी तरह से भूमि नहीं दे पाई, वो फॉरेस्ट लैंड में आप लोग हैं, फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं। अब आपके पास कुछ भी काम करना हो तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, चाहे वो सड़क बनानी है, चाहे बिजली लानी है, चाहे पानी लाना है, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए तभी आपके वो काम फलीभूत होते हैं। तो ये बात भी सरकार के ध्यानार्थ है और माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं इस बात को, उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर मुझे कानून भी बदलना होगा वो भी मैं अवश्य करूंगा ताकि आने वाले समय में हमारे जो आउस्टीज है, जो उजड़ गए थे यहाँ से लोग, उनको दोबारा बसाने का काम किया जाए, वो भी वो अवश्य इस बात को करेंगे। अब एक बहुत सुनहरी मौका आपके हाथ में आया, अब इलेक्शन आ गया, हम तो चाहते थे ये जो निर्दलीय आपने जिनको इलेक्शन जितवाया है उन्होंने आपके काम करवाने थे, उन्होंने सरकार के पास जाना था, उन्होंने बोलना था कि ये है, ये हमारी समस्या है। अब आपने काम से पीछे हट गए और अब आप जानते हैं कि अब तो जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया। तो कांग्रेस पार्टी से हमारी एक बहुत ही सशक्त कमलेश ठाकुर जी को इस बार मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो एक महिला को मौका दिया, एक महिला को मौका दिया और उस महिला को जिसको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी है, बहुत से आपके काम ऐसे ही धक्के में हो जाएंगे, आप इनके पास जाएगी, इन्होंने कहा मैं आपके पास आऊंगी, आपकी दुख तकलीफ को सुनूंगी और सरकार से उस बात का निवेदन करूंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार के हाथ में बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है, वो बहुत बहुत काम करवा सकते हैं। अब आपको ऐसा मौका मिला है कि आपने इनको यहाँ से जिताकर भेजना, ये तो आपके घर की महिला है, घर की महिला है, कोई बाहर की नहीं है, आपके बीच में पड़ी बली है, आपकी समस्याओं को बहुत भली भांति
से समझती है, जानती है और कैसे उसका समाधान करवाना है वो भी एक जानती है। अभी जब इनको चुनाव में उतारा जा रहा था तो इनके मन में भी ये बात आई होगी कि लोगों की समस्याओं का समाधान मैं कैसे करवाऊंगी। इन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की और उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया कि जो भी समस्या होगी, चाहे वो सड़क की है, बिजली की है, पानी की है, आपकी और भी भूमि की समस्या है, उन समस्याओं को आप मेरे पास लेकर आना और अवश्य हम उसका कुछ ना कुछ निदान करेंगे, हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, उन कामों को करेंगे। तो मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका आप लोगों के हाथ में आया है। आपने इस बार का जो इलेक्शन है, अब 10 तारीख को इलेक्शन है, आज हो गई 4 तारीख, 4 दिन आपके हाथ में रहे क्योंकि 8 को तो हमारी कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी। और इन 4 दिनों में जैसे हम कांग्रेस के लोग आपके बीच में आए, हम अपनी बात करेंगे, बीजेपी के लोग भी तो आएंगे, वो भी तो अपनी बात आपके सामने करेंगे, बहुत सारे वायदे करेंगे। अब तो हमने ये सुना कि बीजेपी के लोग तो धन बल का भी उपयोग कर रहे हैं, बहुत सा धन, अगर हम कहीं 1000 रुपया दें तो वो 10,000 दे देंगे,